वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आपके सामने ये एम्पलीफायर बोर्ड है, कंप्लीट एम्पलीफायर बोर्ड स्टीरियो में। ये 50+50 यानी 100 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है विद कंप्लीट बास ट्रेवल, पावर सप्लाई एंड वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए, मेक इसका DX सीरीज डेक्सा मेक है, बास ट्रेबल के साथ में है। देखिए, बास ट्रेबल सेक्शन अलग से है। ये बोर्ड मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्लास ए भी कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है। एक्चुअली इसे जो अपने गाड़ियों के अंदर लगने वाले एम्पलीफायर बॉडी होती है उसके अंदर फिट करना चाहता हूँ, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। साइज़ इसके हिसाब से तो गाड़ी के जो एम्पलीफायर बॉडी है उसके अंदर तो नहीं बैठेगा, तो मुझे इसका केवल एम्पलीफायर सेक्शन चाहिए। अगर मैं एम्पलीफायर सेक्शन इसका देखूं तो यहाँ से एक चैनल, ये इतना एक एम्पलीफायर सेक्शन है, दूसरा चैनल यहाँ से है, बास ट्रेबल सेक्शन इतना है, और ये वोल्टेज रेगुलेशन सेक्शन है, और ये पावर सप्लाई सेक्शन है जो कि AC 24 AC ट्रांसफार्मर से हमें इसे यहाँ देना है, जो कि DC में कन्वर्ट होगा तो वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 35 वोल्ट, इसके जो DC इस लाइन है वहाँ पर हमें 35± वोल्टेज मिलेगा। तो हमें इसका केवल एम्पलीफायर सेक्शन चाहिए क्योंकि उसका एम्पलीफायर सेक्शन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, साउंड अच्छा है। तो इसीलिए मैं इसका सर्किट डायग्राम कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद उसका सर्किट डायग्राम आपके सामने लेके आता हूँ, और उस सर्किट डायग्राम के आधार पर हम नया PCB डिज़ाइन करेंगे और उस PCB में कंपोनेंट्स फिल करके उस सर्किट को हम चालू करने की कोशिश करेंगे, जो कि छोटे साइज़ में बनाएंगे, जो कि गाड़ी के एम्पलीफायर की बॉडी में आसानी से फिट हो सके। तो चलिए इसका एक क्लोज लुक लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, इसका क्लोज लुक लेने पे आउटपुट ट्रांजिस्टर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2n3055 MJ 2955, एंड इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर अगर मैं देखूं तो ये BD139 एंड BD140 है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, और इनपुट में BC548 547 558 548 ऐसे चार छोटे ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। टोटल इसमें अगर काउंट करूं तो 4, 2, 6, 2, 8, टोटल 8 ट्रांजिस्टर का बना हुआ ये बोर्ड है एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर सेक्शन का। एंड रेजिस्टेंस भी काफ़ी कॉमन है, 2.2K 3.3K 10K 100 ohms, ओके, आसानी से मिल जाएंगे। एंड एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है जो 5 वाट में होता है, यहाँ पर है 0.5 ओम, 2 वाट का रेजिस्टेंस है, ओके, ठीक है, 50 वाट पावर है इसलिए इन्होंने 2 वाट का लगाया है। और ये अगर कैपेसिटर देखूँ, ये छोटा वाला, ये तो खैर नॉर्मल है, 104 है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तो ये 104 जो है 0.1 UF, ठीक है, इसके सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका एक बैक लुक लेते हैं। बैक लुक में देखिए, सोल्डिंग काफ़ी अच्छी की गई है, PCB क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और इसका PCB इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया है, यानी कि ये जल्दी, इसके ट्रैक्स जो है काफ़ी मोटे मोटे उन्होंने बनाए हैं, और ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली PCB और हीट सिंक के साथ सर्किट बोर्ड पे ही टाइट किया है, जिससे इसका फिटिंग और ये काफ़ी अच्छा हो गया है और थोड़ा स्ट्रांग भी दिख रहा है। और ये वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करूँ मैं, ये TIP 127 ट्रांजिस्टर है, ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, TIP 122 एंड 127, ये एक्चुअली इस बास ट्रेवल सर्किट को ±15 वोल्ट लगता है और आउटपुट सेक्शन में ±35 वोल्ट आता है, तो ये ±35 वोल्ट को ये ±15 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस IC को देता है, जिससे ये बास ट्रेबल सेक्शन इजीली काम करता है। तो चलिए इस फ्रेंड्स, मैं यहाँ ब्रेक लेता हूँ और सर्किट डायग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ।
लीजिए दोस्तों, सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उस सर्किट का पूरा मैंने कॉपी कर लिया है, उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखिए, हमारा ये इनपुट यहाँ पर आएगा, सिग्नल हम यहाँ पर देंगे, ये 1UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर होगा और जो सीधा BC558 के बेस में जाएगा, और ये दूसरा BC558 और पहला BC558, इनका दोनों का एमीटर आपस में जोड़ दिया है और 3.3 के फिर उसके सीरीज में 2.2 के ये रेजिस्टेंस से जोड़ के पॉजिटिव 35 वोल्ट की लाइन से जोड़ा है। देखिए, यहाँ 2.2 के बाद एक झीनर डायोड लगाया है, 6.1 वोल्ट झीनर डायोड। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप 9 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, बट 9 वोल्ट से ज़्यादा का मत लगाइए। इसका यहाँ एक कनेक्ट कीजिए सिरा और दूसरा निगेटिव, ये जो ग्राउंड है GND उससे जुड़ेगा। ये 330 PF है। देखिए, यहाँ एक नंबर लिखना भूल गया मैं, एक्चुअली ये 68K है, 68K, चलिए वो भी लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद में ये PF है, 330 PF, सिरेमिक PF लगाना है। ये BC547। देखिए, इसमें मैंने एमीटर पे डॉट बनाया है, ये NPN ट्रांजिस्टर, इसलिए इसका एमीटर डॉट, ये एरो बना हुआ है, ये बेस, ये कलेक्टर, बाकी सब इसमें सेम है। ये गेन का रेजिस्टेंस है, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस है। हाइयर वैल्यू लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो 15K है, आप इसे मैक्सिमम 20K तक लगा सकते हैं, 20K लगाने पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। एंड ये 470 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है, जो के में वैल्यू है, जैसे ये 15K तो उसके सामने मैंने के लिखा है, और जो ओहम में है, जैसे ये 470 ओहम में है, तो ओनली सिर्फ नंबर लिखा है 470 ओहम, तो आप इसे 470 ओहम समझिए, और जहाँ के है उसके आगे मैंने के लिखा है, जैसे 1K 1K। और देखिए, ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है और ये -35 वोल्ट की लाइन है, तो ये MJ2955 है, उसका कलेक्टर जो है डायरेक्टली -35 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, और उसका एमीटर, ये उसका एमीटर है, और ये 0.5 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस जो हमने देखा था उसमें, बड़ा वाला रेजिस्टेंस 0.5 ओम 2 वाट उसका कैपेसिटी, ये आपस में आके ये सेम वैसा इधर से भी आके ये आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए, 2n3055 का कलेक्टर डायरेक्टली पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 4.7 ओम 1 वाट का एक रेजिस्टेंस है, और ये 104 का PF है, ग्रीन वाला, या आप जो सिरेमिक होता है वो भी लगा सकते हैं। और ये स्पीकर है, स्पीकर 4 ओम। इससे फ़र्क इतना है कि इसका जो बाइसिंग सिस्टम है, अभी देखिए इसमें जो बाइसिंग है, मतलब इसमें बायस करने के लिए कोई डायोड यूज़ नहीं किया है, बायसिंग के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। देखिए, यहाँ 1K पॉजिटिव लाइन से 1K रेजिस्टेंस जुड़ा है, और उसके बाद 3.3K जुड़ा है, तो ये 1K के बाद में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 100UF, और ये इसका निगेटिव सिरा स्पीकर लाइन से जुड़ा है। ये बूस्ट ट्रैप है, बूस्ट ट्रैप यानी कि ये इसका आउटपुट को बढ़ाएगा। देखिए, और ये 100 ओम, ये BD139 के बेस में जा रहा है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बाइसिंग वोल्टेज यहाँ जा रहा है, और ये 548 का ट्रांजिस्टर लगा है उसके बेस पे 2.2K और 3.9K, देखिए कलेक्टर से और ये मीटर से रेजिस्टेंस जोड़ के एक फिक्स बायस वोल्टेज लेने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इसलिए इसमें कोई डायोड दिखाई नहीं देता है। और देखिए, यहाँ इसके एमीटर से ये निकल, ये क्रॉस वायर है, ये आपस में जुड़ा नहीं है, ये इसके एमीटर से निकल के क्रॉस वायर ये BD140 के बेस में जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये 330 PF इसका बेस, इसके कलेक्टर के बीच में 330 PF है, और जो ये सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो डायरेक्टली ये निगेटिव लाइन से जुड़ा है, ये भी आपस में यहाँ नहीं जुड़ा है आपस में, इसीलिए क्रॉस वायर का सिंबल है,
यहाँ जुड़ा है। तो चलिए, सर्किट तो पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप वैसे इस सर्किट को देखकर आप बना भी सकते हैं। अब इस सर्किट का पीसीबी और कंपोनेंट फिलिंग मैं डिज़ाइन करूँगा, उसे अगले वीडियो में मैं डालता हूँ। अब अभी तक के लिए इतना स्टडी काफ़ी है, क्योंकि एक साथ बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।